पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अप्रिय घटना के बाद उदयपुर में भाजयुमों ने निकाला मशाल जुलूस। आपको बता दें, उदयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अप्रिय घटना को और षड्यंत्र पूर्वक उनके काफिलों को रोकने के मामले में पूरे देश भर में आक्रोश व्याप्त हो गया है। सभी जगह पंजाब सरकार की घोर निंदा की जा रही है। इसी के चलते उदयपुर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। नगर निगम से मशाल जुलूस शुरू हुआ जो कि सूरजपुर जाकर ठहरा। वहां पर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी, वर्तमान अध्यक्ष सनी पोखरना, साथ ही दीपक सिंह चौहान, भाजयुमो के कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कल पंजाब में प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर जो चूक हुई है और उसके लिए चन्नी सरकार और जो आला अधिकारी इसके लिए जिनका जिम्मा है उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज इस प्रकार से युवा मोर्चा ने नगर के अंदर कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और सरकार से मांग की है, भारत सरकार से, इस कांग्रेस सरकार को बर्खास्त की जाए पंजाब की और आला अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती कोई भी सरकार और आला अधिकारी नहीं करे। ये तभी संभव हो सकेगा जब इनके खिलाफ जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के काफिले को जो पंजाब में रैली करने जा रहे थे वहाँ पे बीच में रोका गया और वहाँ पे प्रदर्शनकारियों को जाने की अनुमति दी गई। इसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर शहर द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें आदरणीय हमारे शहर के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमली साहब, आदरणीय विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, सब मंत्री, सभी मंडलाध्यक्ष और सभी पधारे, जिसमें हमने ये विरोध जताते हुए कहा है कि आज जैसा जैसा पंजाब सरकार है कांग्रेस सरकार है उसमें जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया गया है वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। आज देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो उसके खिलाफ अगर उसके जाते हुए और इस तरीके का अगर होता है उनका प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और पंजाब सरकार अगर सोचती हो कि इस तरीके का कर देगी तो हम उनको यह चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा अगर करते होता है तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जान तक देने को तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी शहर में हर जगह पूरे देश में बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ देगी। धन्यवाद।